हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन और फिर स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें डिस्कस करेंगे। कोलिनर्जिक ड्रग की जो डेफिनेशन है, दीज आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन की तरह एक्शन प्रोड्यूस करती हैं उन्हें कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं। इन्हें कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में फंक्शन करता है। एसिटाइलकोलिन is an neurotransmitter which function in brain। जो कोलिनोमाइमेटिक ड्रग है, इस एसिटाइलकोलिन के जो फंक्शंस हैं उसको उसकी तरह ही वर्क करती हैं। तो यहां पर हम डेफिनेशन भी लिख देंगे कोलिनर्जिक ड्रग की। ड्रग विच ब्रिंग स्टिमुलेशन ऑफ कोलिनर्जिक नर्व और प्रोड्यूस फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। सिमिलर टू एसिटाइलकोलीन, उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। जो सिनोनेम है मैंने आपको अभी बताया है, दैट इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और इनका जो दूसरा नाम है दैट इज कोलिनोमाइमेटिक ड्रग, माइमेटिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग के ही ये नाम है। दीज ड्रग स्टिमुलेट पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, सो दीज आर आल्सो कॉल्ड पैरासिंपेथोमाइमेटिक ड्रग्स। दीज ड्रग स्टिमुलेट पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम, सो कॉल्ड पैरासिंपेथोमाइमेटिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग एक्ट ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, मस्केरिनिक एंड निकोटिनिक। रिसेप्टर्स मस्करिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलीन आर फॉलोइंग एज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर। मस्करिनिक एक्शन ऑफ एसीएच, एसीएच को हम एसिटाइलकोलीन ही कहते हैं,
मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, पहला जो है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, थर्ड इज इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ GI ट्रैक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एंड कार्डिक इनहिबिशन। कार्डिक वर्ड जो आता है हार्ट के लिए आता है, दीज आर द मस्करिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलीन। सो कोलिनर्जिक ड्रग विच स्टिमुलेट मस्करिनिक रिसेप्टर आर यूज टू ट्रीट फॉलोइंग डिजीजेज लाइक टेकिकार्डिया, सेकेंड कार्डिक एरिथ्रमा, थर्ड ग्लूकोमा, एंड यूरिनरी रिटेंशन। टेकिकार्डिया में हार्ट बीट जो होती है फास्ट हो जाती है देन नॉर्मल। फास्ट हार्ट बीट देन नॉर्मल। कार्डिक एरिथ्मा में जो रिदम है हार्ट का वो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम। एंड जो ग्लूकोमा है, आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। एंड जो यूरिनरी रिटेंशन है, इनएबिलिटी टू वॉल्यूंट्री एम्प्टी ऑफ ब्लैडर। Inability to voluntarily means इच्छा के अनुसार अनेबल हो जाता है पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर। यहाँ लिख देंगे हम यूज ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, दीज आर डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स, एंड सेकेंड आर इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स. Indirectly acting agents. Directly acting agents are example of directly acting agents are esters like acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter. Then alkaloids, its example is pilocarpine. And last is carbachol. And now in next lies indirectly acting cholinergic agents. Indirectly acting cholinergic agents. Example of indirectly acting cholinergic agent are physostigmine, neostigmines, these are anticholine esters. Choline esterase is an enzyme. These agents are anticholine esters which act against choline esterase. Other example of indirectly agents are androphonium, tacrine, next is pyrrolidoxime, now we will discuss step by step drugs like first is acetylcholine, first point is that it is neurotransmitter. Its structure is क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड है ये. एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूलर वेट इज 181.66. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट. सेकेंड, it is used with mannitol. Mannitol के साथ इसको use किया जाता है. Mannitol is a sugar. Then next is its use. It is used in cataract surgery.
कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट्स मीन्स क्लाउडिंग ऑफ विजन, क्लाउडिंग ऑफ आई, आई की प्रॉब्लम है ये, जिसमें हमें धुंधला दिखाई देता है, और ब्लर्ड विजन जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट इट्स प्रिपरेशन. एस्टैल्कुलिन अवेलेबल एज पाउडर और इंजेक्शन फॉर्म. एस्टैल्कुलिन पाउडर्स एसिटाइलकोलीन इंजेक्शंस. नेक्स्ट इज ब्रांड ऑफ एसिटाइलकोलीन. ब्रांड ऑफ एसिटाइलकोलीन विच आर अवेलेबल इन मार्केट्स आर मायोगान, PWS, मायोकोल, ई. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एस्टैल्कोलीन इज दैट इट इज शॉर्ट एक्टिंग मायोटिक. मायोटिक मीन्स इट कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल ऑफ आई. नेक्स्ट कोलिनर्जिक एजेंट इज कार्बाकोल. कार्बाकोल इज एन एस्टर ऑफ कोलीन. एस्टैल्कोलीन के डिग्रेडेशन से कोलीन एंड एस्टिक एसिड बनता है, तो जो कार्बाकोल है वो कोलीन का एस्टर है. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कार्बाकोल इज दैट इट हैव मस्करिनिक एंड निकोटिनिक एक्शंस. एंड निकोटिनिक एक्शंस. इट इज फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव. इट्स एक्टिविटी इज सिमिलर टू एस्टैल्कोलीन. एस्टैल्कोलीन मैंने यहां पे ACH करके रिप्रेजेंट किया है एज एब्रिवेशन. इसकी जो फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी है सेम टू सेम एस्टैल्कोलीन की तरह ही है. कार्बाकोल का जो यूज है इंट्रा ओकुलर टेंशन को रिड्यूस करने के काम में आता है. ओकुलर वर्ड जो होता है आई के लिए आता है. नेक्स्ट इट्स प्रिपरेशंस. प्रिपरेशंस ऑफ कार्बाकोल विच आर अवेलेबल इन मार्केट्स आर टेबलेट्स, कार्बाकोल इंजेक्शंस, कार्बाकोल इज अवेलेबल एज लिक्विड, एंड आल्सो एज सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज ब्रांड ऑफ कार्बाकोल.
ब्रांड अवेलेबल इन मार्केट्स आर मायोस्टेट, सेकंड इज कार्बास्टेट एंड ऑप्टिस्टेट। इस नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। यहाँ नाइट्रोजन एटम है एंड हेयर CH3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन की जो प्रॉपर्टी है, इट इज एन एल्केलॉइड। एल्केलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स पिलोकार्पस जेबोरेंडी। इन इट्स स्ट्रक्चर देयर आर टू रिंग फर्स्ट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन रिंग। And second is imidazoline. This is very important. In competition exam में ये अक्सर पूछा जाता है कि पिलोकार्पिन के अंदर कौन कौन से रिंग प्रेजेंट है, देन योर आंसर शुड बी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड इमिडाजोलिन रिंग। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर बनाया था, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड दिस इज इमिडाजोलाइन रिंग। इट्स हाइड्रोक्लोराइड साल्ट इज कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। साल्ट इज कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। क्रिस्टलाइन मीन्स इट इज सॉलिड इन नेचर। अरेंजमेंट ऑफ एटम आर फिक्स्ड। इट इज ऑर्डरलेस, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। बिटर इन टेस्ट। एंड इट इज हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इट इज वेरी सोलबल इन वाटर। वेरी सोलबल मीन्स टू डिजोल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, मीन्स इसके एक पार्ट को डिजोल्व करने के लिए पिलोकार्पिन के लेस देन 1 ml ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी सोलबल। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ पिलोकार्पिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिलोकार्पिन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, सो इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एनवायरमेंट। तो हम यहां पर लिखेंगे टाइटली क्लोज्ड कंटेनर।
नेक्स्ट इज यूज, इट इज यूज्ड एज मायोटिक मायोटिक्स मीन्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल ऑफ आई. नेक्स्ट टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर नेक्स्ट इज टू काउंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट. एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स मतलब एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के जो साइड इफेक्ट हैं उसको भी कम करने का काम ये पिलोकार्पिन करता है. इंट्राओकुलर जो प्रेशर है ग्लूकोमा में ऑब्जर्व होता है, उस प्रेशर को रिड्यूस करने का काम पिलोकार्पिन करता है. अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पिलोकार्पिन. पिलोकार्पिन आई ड्रॉप्स आर अवेलेबल नेक्स्ट इज ब्रांड ऑफ पिलोकार्पिन. पिलोकार ऑफ्थोकार्पिन दीज आर द ब्रांड ऑफ पिलोकार्पिन. नेक्स्ट इज एंटीकोलिनेस्टरेज. एंटीकोलिनेस्टरेज वो सब्सटेंस है, वो ड्रग हैं जो कि कोलिनेस्टरेज एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करते हैं. कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका डिग्रेडेशन करता है कोलिन एंड एस्टिक एसिड में, जो कि एसिटाइलकोलिन के फंक्शंस को ब्लॉक कर देता है. तो पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे एंटीकोलिनेस्टरेज की. These are the agents which block the action of cholinesterase enzymes यहां पर मैं एक रिएक्शन की फॉर्म में कोलिनेस्टरेज का जो फंक्शन है लिखूंगा. एसिटाइलकोलीन जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है एसिटाइलकोलीन को डिग्रेड करता है कोलीन एंड एस्टिक एसिड में. एस्टिक एसिड इज CH3COOH. एस्टाइलकोलीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो इसके जो फंक्शंस हैं वो रुक जाएंगे, इसलिए एंटीकोलिनेस्टरेज का यूज करते हैं टू कंटिन्यू द फंक्शन ऑफ एस्टाइलकोलीन. इसीलिए एंटीकोलिनेस्टरेज को इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट भी कहा जाता है. सो एंटीकोलीन एस्टरेज आर कॉल्ड
इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स। क्योंकि ये एस्टाइलकोलिन की जो लाइफ है उसको प्रोलोंग कर देते हैं और उसी की तरह ही फार्माकोलॉजिकल जो एक्शंस हैं प्रोड्यूस करते हैं। एंटीकोलिनेस्टेज में आता है नियोस्टिग्माइन, हम इसे स्टडी करेंगे। नियोस्टिग्माइन नियोस्टिग्माइन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ये हेक्सागोनल रिंग है, ये क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड को ये इंडिकेट कर रहा है। देन CH3 CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन के बारे में जो पहला पॉइंट है, नियोस्टिग्माइन इज एंटीकोलिनेस्टेज। एंड कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, नेक्स्ट इट इज ऑडरलेस, बिटरलेस, बिटर इन टेस्ट, वेरी सोलबल इन वाटर, यहां हम हेडिंग दे देते हैं नियो स्टिग्माइन। वेरी सोलबल का मीनिंग मैंने आपको बताया है, टू डिजोल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, मीन्स नियोस्टिग्माइन के एक पार्ट को डिजोल्व करने के लिए लेस देन वन पार्ट ऑफ सोलवेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज यूज ऑफ नियोस्टिग्माइन। इट इज यूज टू डायग्नोस माइस्थीनिया ग्रेविस। To improve muscles strength, in patients. It is also used in post-operative urinary retention.
इट इज इनएबिलिटी टू इनिटेट यूरिन, यूरिन को इनिटेट करने की ये इनएबिलिटी है, उसे बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ नियोस्टिग्माइन। नियोस्टिग्माइन टेबलेट्स आर अवेलेबल नियोस्टिग्माइन इंजेक्शंस आर अवेलेबल एंड नेक्स्ट इज ब्रांड्स। प्रोस्टिग्माइन के नाम से आता है ये, इसका जो ब्रांड है दैट इज प्रोस्टिग्माइन। नेक्स्ट इज एंड्रोफोनियम क्लोराइड। इट इज रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेस, रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेस का मतलब है इट टेम्पोरेरली इनहिबिट द कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। बिटर इन टेस्ट, इट इज सोलबल इन वाटर एंड एल्कोहल। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एंड्रोफोनियम। इट इज यूज टू डायग्नोस माइस्थीनिया ग्रेविस। डायग्नोस मीन्स सिम्टम्स के बेसिस पर डिजीज को आइडेंटिफाई करना। इट इज यूज टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उनको भी इंप्रूव करने के काम में आता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, इट इज ऑल्सो यू टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। यहां पर हेडिंग दे देते हैं अपन एंड्रोफोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एंड्रोफोनियम।
एंड्रोफोनियम इंजेक्शंस आर अवेलेबल, एंड्रोफोनियम लिक्विड्स, नेक्स्ट इज ब्रांड ऑफ एंड्रोफोनियम, ब्रांड इज एंड्रोलोन, एनलोन, एनलोन प्लस, आर द ब्रांड ऑफ एंड्रोफोनियम क्लोराइड. नेक्स्ट इज टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड, टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड इज रिवर्सिबल एंटीकोलीन एस्टरेज, रिवर्सिबल एंटीकोलीन एस्टरेज. रिवर्सिबल एंटीकोलीन एस्टरेज का मीनिंग मैंने आपको बताया है कि ये टेम्परेरली कोलीन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं. 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो नाइन अमीनो एक्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट इज इट इज व्हाइट सॉलिड, फ्रीली सोलबल इन डिस्टिल्ड वाटर, फ्रीली सोलबल्स कम इन टू डिजॉल्व 1 part ऑफ टैक्रीन, 1 to 10 part ऑफ सोलवेंट इज रिक्वायर्ड. स्टोरेज, टैक्रीन को वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मूलेशन, कैप्सूल्स एंड इंजेक्शंस आर अवेलेबल, टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स, टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शंस, नेक्स्ट इज ब्रांड कोगनेक्स इज द ब्रांड ऑफ टैक्रीन, THA इज एन अनदर ब्रांड ऑफ टैक्रीन. नेक्स्ट इज यूज, टू ट्रीट एल्जीमर डिजीज, टैक्रीन का जो यूज है टू ट्रीट एल्जीमर डिजीज.
ब्रेन डिसऑर्डर है ये, इसमें जो मेमोरी का लॉस हो जाता है, ब्रेन प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है, उसको ट्रीट करने के काम में टेक्रिन का यूज होता है। नेक्स्ट इज पेरालिडोक्सिम। इट इज वाइट सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर, और वी कैन से इट इज क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज ऑडरलेस, सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सोलुबल है, सोलबल मीनिंग्स डिसॉल्व हो जाता है ये वाटर के अंदर। नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसका जो ब्रांड है मार्केट के अंदर दैट इज नियोपाम पाम ए। नियोपाम एंड पाम ए आर द ब्रांड ऑफ पेरालिडोक्सिम क्लोराइड। नाउ द यूज ऑफ पेरालिडोक्सिम। इट इज यूज्ड एज एंटीडोट, एज एंटीडोट। एंटीडोट वो होते हैं जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करते हैं, पेस्टिसाइड की जो पॉइजनिंग हो जाती है वहां इनका यूज होता है, इन पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। सेकंड, लास्ट जो एजेंट है दैट इज इकोथायोफेट। आयोडाइड, इट इज रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेस, सेकेंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। जो यूज है इसका टू ट्रीट ग्लूकोमा। इट इज यूज टू ट्रीट अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें ब्लर्ड विजन होता है,
वाटरी आईज अपीयर होती हैं, आंखों से पानी आता रहता है, टायर्डनेस फील होती है, नेक्स्ट इज स्टोरेज, इकोथायफेट आयोडाइड को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन, इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो है इकोथायफेट आयोडाइड सॉल्यूशन इकोथायोफेट आयोडाइड पाउडर फॉर सॉल्यूशन इसका जो ब्रांड है उसका नाम है फॉस्फोलाइन आयोडाइड, मार्केट में आपको मिलेगा ब्रांड फॉस्फोलाइन आयोडाइड। स्टूडेंट्स, आज हमने कोलिनर्जिक एजेंट को स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।